Welcome dear students once again in Imtiaz Academy. Today I will do solve section B vocabulary of lesson number 13 the wonderful tea kettle for class 4th from Bavarian English. So let us start. It is saying in vocabulary that read the following words from the story. First of all open your book page number 86 and see section B vocabulary. Here is some example and saying that read the following words from the story. Tea kettle, tea caddy, pot lid, showman, paper shredded, handbill. These words are formed by combination two words. Words formed by combination two or more words are known as compound words. यहाँ ये कहा जा रहा है कि देखिए कुछ words आपको दिए हुए हैं जैसे tea kettle, tea caddy, पॉट लिड शोमैन पेपर शेडेड हैंडबिल्स ये सब आपके बुक्स में आपके इस लेसन में ये वर्ड्स आए हैं. ये दो आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो 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 भी वर्ड्स हैं ये दो वर्ड्स हैं ये दो वर्ड्स बन के बने हुए हैं. तो इसमें दो वर्ड्स बने मिले हुए हैं तब जाकर के एक वर्ड्स बना है जिसे कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं. तो कंपाउंड वर्ड्स आर रिटेन इन थ्री वे. कंपाउंड वर्ड्स को तीन तरह से लिखा जा सकता है. पहला है एज वन वर्ड एक एक वर्ड के तौर पे मतलब दो वर्ड को मिला देते हैं तो एज सेम वहां कोई फर्क नहीं लगता है वो एक ही वर्ड मालूम पड़ता है. जैसे कि मून और लाइट. मून और लाइट इन दोनों को जोड़ दिया तो मून लाइट हुआ. उसके बाद बटर और फ्लाई दोनों को जोड़ने से बटरफ्लाई बना. ये क्या है आपका ये वन वर्ड के तौर पर लिखा जाता है. उसके बाद एस टू वर्ड ज्वाइंट बाई ए हाइफन. और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं दो वर्ड होते हैं जिसे हाइफन दे करके ज्वाइन किया जाता है. हाइफन मतलब डैश दे करके ज्वाइन किया जाता है जैसे कि वेल और नोन. इन दोनों को हाइफन से वेल को वेल और बीच में हाइफन लगाए और फिर नोन वेल नोन. पेपर शेडेड पेपर के बाद फिर हाइफन लगा करके शेडेड लिखे. उसी तरह से एस टू वर्ड सेपरेटेड बाई ए स्पेस या दो वर्ड होते हैं जिसे स्पेस दे करके अलग अलग किया जाता है. जैसे रोड साइन. रोड साइन को अलग अलग लिखा जाता है. रोड को अलग लिखा जाता है साइन को अलग लिखा जाता है. क्रिकेट और बॉल. क्रिकेट को अलग लिखा क्रिकेट बैट क्रिकेट को अलग लिखा जाता है बैट को अलग लिखा जाता है. आगे आपको बी वन है. बी वन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. कहा जा रहा है कंबाइन द वर्ड्स इन द वर्ड्स क्लाउड बिलो करेक्टली टू मेक कंपाउंड वर्ड्स. कहा जा रहा है कि ये जो नीचे वर्ड दिया हुआ है क्लाउड में ये वर्ड्स सब जो दिए हुए हैं इसको सही तौर से मिलाए ताकि सही कंपाउंड वर्ड बन सके. देन राइट देम इन द करेक्ट कॉलम बिलो. और उसके बाद उसे करेक्ट कॉलम में जो यहाँ आपको कॉलम दिया हुआ है इसमें जो जिस कॉलम में जो आएगा उसमें उसे लिखिए. डू नॉट लीव आउट एनी वर्ड्स इन द क्लाउड. क्लाउड इसमें ये कहा जा रहा है डू नॉट लीव आउट एनी वर्ड इन द क्लाउड. क्लाउड इस क्लाउड में किसी भी वर्ड को छोड़ना नहीं है. तो इसमें आपको देखिए इसमें क्या किया गया है. यहाँ आपको वर्ड है बी वन में तीन कॉलम दिया हुआ है आपको सिंगल वर्ड्स के लिए हाइफेनेटेड वर्ड्स के लिए एंड वर्ड्स विद ए स्पेस इन बिटवीन और वो वर्ड्स के लिए जिस वर्ड के बीच में एक स्पेस होता है. तो देखिए इसमें आप देखेंगे सिंगल वर्ड्स में आपको एक टूथ यहां तलाशेंगे तो टूथपेस्ट मिलेगा. देखिए टूथपेस्ट आपको मिल जाएगा. यहां पहला दूसरा तीसरे लाइन में देखेंगे तीसरे लाइन में टूथ है एक दो तीन चार पांच पांचवा वर्ड टूथ है और तीसरे लाइन में ही दूसरा वर्ड पेस्ट है. तो इन दोनों को मिलाकर के टूथपेस्ट बनता है. तो ये टूथपेस्ट आपको इसमें आएगा सिंगल वर्ड्स में टूथपेस्ट. उसके बाद देखिए हम पहले सिंगल वर्ड्स को लिख लेते हैं. टूथपेस्ट हुआ उसके बाद रेलवे हुआ उसके बाद संडे हुआ
फिर आपका एयरपोर्ट हुआ, एयरपोर्ट वीकेंड बास्केटबॉल, उसी तरह से हम हाइफेनेटेड वर्ड्स देखेंगे तो हाइफेनेटेड वर्ड्स में आपको काइंड और हार्टेड ये आएगा। फिर हम ये देखते हैं इसमें काइंड हार्टेड में एक ही वर्ड आएगा, हाइफेनेटेड वर्ड्स में एक ही वर्ड आएंगे काइंड हार्टेड। उसके बाद आप देखिए वर्ड्स विद अ स्पेस इन बिटवीन, इसमें वर्ड्स आएंगे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, देन आफ्टर सॉलिड रॉक, सॉलिड रॉक, उसके बाद आएगा फेस क्रीम, उसके बाद आएगा पिकल सेलर, पी आई सी के एल ई पिकल सेलर, उसके बाद आएगा रेड ब्रिक्स, रेड ब्रिक्स। ये सारे वर्ड्स आपको जो दिए हुए हैं क्लाउड्स में उससे ये सारे वर्ड्स मिल बन रहे हैं। ये वर्ड्स आपको सिंगल वर्ड्स में टूथपेस्ट आ रहे हैं, रेलवे आ रहे हैं, संडे आ रहे हैं, एयरपोर्ट, वीकेंड, बास्केटबॉल। हाइफेनेटेड वर्ड्स में काइंड हार्टेड एंड वर्ड्स विद स्पेस इन बिटवीन में वॉशिंग मशीन, सॉलिड रॉक, फेस क्रीम, पिकल सेलर, रेड ब्रिक्स। अब आपकी आसानी के लिए कुछ मैं आपको हिंट दे दूं। देखिए जैसे टूथपेस्ट है, यहाँ टूथपेस्ट को देखिए कहाँ कहाँ से आएगा। आपको मैंने अभी बताया कि ये आपके तीसरा लाइन है, ऐसे तो इस तरह से लिखा हुआ है कि पहला दूसरा तीसरा थोड़ा आइडेंटिफाई करना लाइन थोड़ा हल्का मुश्किल है, लेकिन आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पहला लाइन में कौन कौन वर्ड है, दूसरे में कौन कौन है, तीसरे में कौन है, चौथा में कौन कौन है, पांचवा में कौन कौन है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये वर्ड जो है आपका टूथपेस्ट, टूथपेस्ट आपको दोनों, ये टूथ भी और पेस्ट भी दोनों आपको तीसरे लाइन में मिल जाएगा। तीसरे लाइन में पांचवा वर्ड है वो आपका टूथ है और तीसरे लाइन में ही दूसरा वर्ड है वो आपका पेस्ट है। इन दोनों को मिलाने के बाद टूथपेस्ट बना। उसके बाद आपका रेलवे है, रेलवे में आप देखेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे लाइन में आप देखेंगे रेल लिखा हुआ है और तीसरे लाइन में आप देखेंगे वे लिखा हुआ है। तीसरे इसमें देखिए रेल के जस्ट ऊपर आपको नजर आ जाएगा थोड़ा ध्यान देंगे तो दोनों को मिलाने के बाद रेलवे हुआ। उसके बाद आपका है संडे, संडे आप देखिए फिफ्थ लाइन में नीचे ऑलरेडी संडे कंप्लीट वर्ड लिखा हुआ है। फिर आप देखेंगे वीकेंड, वीकेंड आपको चौथे लाइन में आप देखें वीक लिखा हुआ है, पहला वर्ड, पहला वर्ड चौथे लाइन में वीक लिखा हुआ है और एंड आपको पांचवे लाइन में पहला वही वर्ड है, पहला या दूसरा वर्ड कह लीजिए कि वो है आपका वीक और एंड, दोनों को मिलाकर के वीकेंड हो गया। उसके बाद बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल देखिए आपका पहला दूसरा तीसरा, मतलब पांचवे लाइन में तीसरा वर्ड बास्केट है और पहले लाइन में पहला वर्ड बॉल है, इन दोनों को मिलाने के बाद बास्केटबॉल बना। इसी तरह से आप देखिए काइंड हार्टेड है, काइंड हार्टेड आपको फोर्थ लाइन में देखें आपको तीसरा वर्ड काइंड मिल जाएगा और फिफ्थ लाइन में लास्ट वर्ड हार्टेड है, इन दोनों को मिलाने के बाद यह आपको वर्ड मिला काइंड हार्टेड। उसके बाद हम वर्ड्स विद स्पेस इन बिटवीन में देखते हैं, इसमें वर्ड है वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन आपका देखिए वॉशिंग पहले लाइन में दूसरा वर्ड आपका क्या है वॉशिंग है, ठीक है, और लास्ट में देखेंगे आपको पांचवे लाइन में पहला वर्ड मशीन है, इन दोनों को मिलाने के बाद वॉशिंग मशीन बना। उसके बाद है आपका सॉलिड रॉक, दूसरे लाइन में देखें लास्ट वर्ड है सॉलिड और फिर आप देखें चौथे लाइन में, चौथे लाइन में आपको मिल जाएगा सॉलिड रॉक, चौथे लाइन में आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। देखिए
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा चौथा वर्ड जो है आपको रॉक का है। ये पांचवे लाइन में आप मान लीजिए, ये आपका दूसरे वर्ड, दूसरे लाइन में पांचवा चौथा वर्ड सॉलिड है और पांचवे लाइन में चौथा वर्ड रॉक है। जस्ट आप सॉलिड ऊपर देखेंगे और उसके नीचे देखिएगा तो रॉक होगा। इन दोनों को मिलाने के बाद सॉलिड रॉक बना। इसी तरीके से फेस क्रीम है, फेस क्रीम देखिए दोनों एक साथ है दूसरे लाइन में, तो दूसरा वर्ड फेस है और पहला वर्ड क्रीम है। इन दोनों को मिलाने के बाद फेस क्रीम हुआ। उसके बाद पिकल सेलर, चौथे लाइन में आप देखिए लास्ट वर्ड जो है पिकल है और दूसरे तीसरे लाइन में आप देखिए उसी के जस्ट ऊपर सेलर है, मतलब तीसरे लाइन का लास्ट वर्ड है सेलर। इन दोनों को मिलाकर के हमने पिकल सेलर वर्ड बनाया। उसके बाद है रेड ब्रिक्स। रेड देखिए आप फोर्थ लाइन में आपको रेड मिलेगा और ब्रिक्स आपको तीसरे लाइन में मिल जाएगा। रेड के जस्ट ऊपर आप देखिए लेफ्ट में तो आपको ब्रिक्स मिलेगा। इस तरह से रेड ब्रिक्स सेंटेंस बना। तो ये सारे वर्ड्स आपके बने इन कलर्स में, ये जो आपको वर्ड्स दिए हुए थे इन सबसे जो वर्ड्स बने सिंगल वर्ड्स वाले वर्ड्स बने टूथपेस्ट, रेलवे, संडे, एयरपोर्ट, वीकेंड, बास्केटबॉल। हाइफेनेटेड वर्ड्स में काइंड हार्टेड बना और वर्ड्स विद स्पेसिंग बिटवीन में आपको वॉशिंग मशीन, सॉलिड रॉक, फेस क्रीम, पिकल सेलर, रेड ब्रिक्स, ये सारे वर्ड्स बने हैं। तो आई होप ये मेरा वीडियो आपको B1 को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों में लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं और लाइक या डिसलाइक आप करेंगे और आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा ताकि मैं अपने वीडियो को और बेहतर बना सकूं। थैंक यू।